अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में इरशाद फरमाया अन नबीयों औला बिल मोमिनीन मिन के नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ईमान वालों को अपनी जान से भी ज़्यादा महबूब नबी करीम अलैहि सलाम की मोहब्बत का तकाज़ा है के हुजूर के सहाबाए कराम से भी मोहब्बत हो, हुजूर के अहले बैत से भी मोहब्बत हो। अहले सुन्नत वल जमात हमारा ये अकीदा है के हुजूर ने खुद फरमा दिया के मेरे सहाबे सितारों की तरह, तो सितारों को देख के रहनुमाई हासिल करो और मेरी बैत ऐसे बैत कश्ती की तरह कश्ती नूह जो कश्ती में बैठ जाते हैं वो नजात पा जाते हैं। तो हमारा मतलब यही है कि अहले सुन्नत का है बेला पार और सहाबे हजूर नजम है और नाव है इतरे के रसूल अल्लाह हजरत इमाम जैन العابدین रज़ी अल्लाह ताला अन्हु हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के लोग से जुबान आपको रब ताला ने कमाल खान अता फरमाया। उनके चेहरे मुबारक को देख कर उनके पाकीज़ा अखलाक को देख कर वो किस तरह से लोगों को माफ़ कर देते थे घर जुगर फरमाते थे और कैसी सखावत थी। उनके चेहरे मुबारक को देखने वाला कैसा था कि आप जरूर रसूलुल्लाह के औलाद मैदान करबला में सैयदना इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की शहादत और अहले बैत नबूवत की जानत। उसके बाद जब हुजूर के अहले बैत मदीना शरीफ आ गए इमाम ज़ैन अल-आबिदीन की ऐसी शोहरत हो गई कि दूर दूर से लोग आपके ज़ियारत को आते ये इमाम ज़ैन अलैहिस्सलाम की निशानी है। आपकी सखावत का ये हाल था के मदीना मुनव्वरा में सौ खानदान ऐसे थे कि उनके घरों में कोई आटे के थैले फेंक देता था।